नमस्कार दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष चिकित्सकों को साथ में आकर के रिसर्च काउंसिल जो ICMR है उसके साथ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के लिए कुछ नया अनुसंधान शोध करने के लिए आह्वान किया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आयुष सिस्टम को बहुत महत्व देते हैं। और पूर्व में भी अगर देखा जाए तो जब जब गंभीर बीमारियां आई हैं उनके रोकथाम के लिए, उनके इलाज के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अपनी बहुत ही महती भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि जो आयुष मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो सैनिटाइज़र बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ने कैलेंडुला मदर टिंचर, होम्योपैथी की जो कैलेंडुला मदर टिंचर आती है उसके साथ कुछ हम लोगों ने सैनिटाइज़र छोटे स्केल पे बनाया था और काफ़ी लोगों ने उसको सराहना भी किया था, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। आज मोदी जी ने बोला कि आयुष की जो मेडिकल कंपनियां हैं उन लोगों को भी सैनिटाइज़र बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि होम्योपैथी की जो मदर टिंचर है उसके साथ यदि सैनिटाइज़र बनाया जाए तो काफ़ी बेहतर प्रमाणित हो सकता है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि आयुष के प्राइवेट चिकित्सकों को भी आवश्यकता पड़ने पर इसमें कोरोना या COVID-19 के खिलाफ जो चिकित्सकीय टीम है उसमें शामिल किया जाएगा। उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। कई बार आयुष चिकित्सकों को लगता है कि उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है। देश का प्रधानमंत्री ही आपको इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहिए। आज आवश्यकता है बीमारी से लड़ाई की, आवश्यकता है बीमारी पर जीत हासिल करने के लिए। आप सम्मान के लिए नहीं लड़े, बीमारी से जीत हासिल करने के लिए लड़े। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरा आयुष सिस्टम, पूरे आयुष चिकित्सक देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं। और प्रधानमंत्री का जैसा जब भी निर्देश आएगा उसके लिए हम सब अवश्य देश हित में कार्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।